तो गाइस यहाँ पर मैं बताने चाहूँगा, अभी तक की सबसे बड़ी अपडेट है एजुकेशन पॉलिसीज पूरी तरह चेंज हुई हैं और इसमें कई सारे बदलाव आए हैं, और ये बदलाव कोई अभी जल्दबाजी में नहीं आए, पूरे 34 साल बाद आया है अपडेट। ठीक है, अभी तक ऐसी कोई एजुकेशन पॉलिसीज में चेंज नहीं देखने को मिला। ये आपका पहला अपडेट है जो 34 ईयर्स के बाद में चेंज देखने को मिल रहा है। इसमें आपके काफ़ी सारे कोर्सेज पे अफेक्ट पड़ने वाले हैं, और काफ़ी सारे कोर्सेज को एक प्रकार से देखी जाए तो जो एंट्री बैरियर्स हैं वो क्रिएट किए गए हैं और एग्जिट बैरियर्स क्रिएट किए गए ताकि स्टूडेंट को कहीं ना कहीं बेनिफिट हो इससे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। वीडियो पसंद आती है प्लीज़ लाइक शेयर कर देना, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों मेरा नाम है जयंत सिंह, आप देखें माइंड्स ऑफ टेक्नोलॉजी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो गाइस जैसा कि आप सभी को पता है, जो हमारे यूनियन मिनिस्टर संजय जावड़ेकर जी हैं और रमेश पोखरियाल जी निशांत, उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सभी को बताया कि आपके जो बैचलर डिग्री सर्टिफिकेट प्रोग्राम, डिप्लोमा कोर्सेज और मास्टर डिग्री प्रोग्राम्स की बात करें तो उनकी जो ड्यूरेशन है एक प्रकार से उस पर कई सारे एंट्री बैरियर्स और एग्जिट बैरियर्स क्रिएट किए गए ताकि स्टूडेंट को बेनिफिट हो। अब यहाँ पे बात करें, जो आपका सर्टिफिकेट प्रोग्राम है वो 1 ईयर का होता है, ठीक है, और डिप्लोमा जो एडवांस लेवल के होते हैं उसकी बात करें तो 2 ईयर्स में आपका डिप्लोमा कोर्सेज कम्प्लीट होते हैं, और जो बैचलर डिग्री का प्रोग्राम है आपका वो 3 ईयर्स की ड्यूरेशन का होता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मास्टर डिग्री की बात करें तो वो 5 ईयर्स में कंप्लीट होता था, बिकॉज बैचलर डिग्री के बाद में आप परस्यू करते थे मास्टर डिग्री, वो 2 ईयर्स का होता था। बट यहाँ पे क्या किया है, अब मर्ज कर दिया बैचलर डिग्री प्लस रिसर्च को, यानी कि मास्टर डिग्री को। अब यहाँ से बेनिफिट ये होगा कि आपकी जो बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्री है वो दोनों ही आप कंप्लीट कर पाएंगे 4 ईयर्स के अंदर में, यानी कि आपको कहीं ना कहीं यहाँ पर 1 ईयर का बेनिफिट मिलने वाला है। तो यहाँ तक की ये अपडेट है और बहुत अच्छी बात है यहाँ पर कि स्टूडेंट को 1 ईयर का यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, जो UG के बच्चे हैं उनके लिए ये बेनिफिट की बात है, बिकॉज अब उनको 1 साल अलग से मास्टर डिग्री रिसर्च के लिए नहीं लगाना पड़ेगा। अगर वो चाहते हैं तो 4 ईयर्स के लिए अपनी बैचलर डिग्री प्लस रिसर्च की डिग्री हासिल कर सकते हैं। देन ये थी अपडेट गाइस, और भी कई सारे चेंजेस हैं। अगर इस पॉलिसी की बात करें तो एजुकेशन पॉलिसीज़ आपकी अभी देखी जाए तो बहुत लंबे समय के बाद में अब बदलाव आए हैं देखने को मिला है। ये 34 साल के बाद में हमारे देश में नई शिक्षा नीति आई है और काफ़ी लंबे समय के बाद में आपको देखने को मिल रही है। अभी और भी कई बदलाव हैं, जैसे अगर स्कूल लेवल की शिक्षा की बात करें तो उसमें भी कई सारे बदलाव देखने को मिले हैं, उसके रिगार्डिंग मैं अलग से अपडेट कर दूंगा। फिलहाल ये थी आपकी अपडेट बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्री के लिए। तो यार इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ में। जैसे ही कोई अपडेट मिलती है आप सभी को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा हमारे चैनल के माध्यम से। वीडियो पसंद आई है प्लीज़ लाइक शेयर कर दो, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर एक अपडेट मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बाय दोस्तों।